एक बेचारी हालात की मारी, खुद के लिए इंसाफ मांगने क्या निकली, रुस्वा मोहब्बत जिंदगी में रोड़ा अटकाने लगी, कैसे जरा सुनिए। तो रेप विक्टिम ने कंप्लेंट देवगढ़ थाना में दी थी कि उस पर जो एक और आदमी जिस पे ऑलरेडी 376 का केस चल रहा है उसकी कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के बाद उसने उसको हनुमान मंदिर के पास वो बुलाया था, जहां उसने जबरदस्ती पकड़ कर उस पर जो तेजाब एसिड वगैरह डाला है, जिस संबंध में 490 नंबर FIR दर्ज कर ली गई है अंडर सेक्शन 326A IPC, जिसका अनुसंधान चल रहा है। डॉक्टर वगैरह से बाकी राय लेकर बाकी चीजें अमल में लाई। डूंडाखेड़ा में किराए पर रहने वाली इस युवती को उम्मीद तो ये थी कि उसका कथित प्रेमी उसकी जिंदगी संवार देगा, रिश्तों के बंधन उसे एक नई रोशनी देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ था आपके साथ और कब हुआ था? हमारे साथ पहले सुस्की से मेरे केस चल रहे थे, वो शादी के साथ जहाँ सादे के मेरे से शादी के वादा किया था, तो मैंने उससे शादी करने के नाम बोले तो मुझे छोड़ कर जाने लगा, तो मैं पुलिस प्रशासन वाले 100 नंबर पर डायल करी थी, तो पुलिस वाले मेरा हेल्प किया, उसके बाद उसकी केस हुआ। उसके बाद 22 तारीख को मैं मेरी संबंध एक आती है, वही संबंध आए तो मैं उस पर गई, तो फिर मुझे 19 तारीख को पहले था, उसके बाद मुझे उसका वकील जो है, दो लोग था वकील में, तो वे मुझे है ना गवाही नहीं होने दिया, बोला कि बोल देना तबीयत मेरी ख़राब। मैं बोले मैं झूठ कैसे बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो मुझे वहाँ से दबाव दे के चला दिया। उसके बाद फिर मेरी है ना तारीख पड़ गई 22 तारीख को, यही 22 तारीख है, फिर यही इसी महीना में 22 तारीख को, फिर मैं 22 तारीख को गए, उसका वकील मेरा जो वकील था ना, उस वकील के पास मुझे मिलने भी नहीं दिया। उसका वकील ने बोला कि ऐसे से गवाही देना, ऐसे से देना, नहीं तो तेरे को मैं जान से गोली मार देंगे। शादी का झांसा देकर युवती की आबरू लूट चुका उसका तथाकथित प्रेमी कानून के ढीले पड़ चुके पंजे से बाहर आ गया। नहीं, शैलेंद्र मिश्रा बोला मुझसे, तो ऐसे ऐसे करेगा, तो मैं बोले नहीं ऐसा क्यों होगा, मैं ऐसा क्या बिगाड़ी हूँ जो कि मेरे ऐसा करेगा, हमने तो सोचे मेरी चलो साथ में रखेगा, हम तो शादी बदक की है मुझसे, तो बोला नहीं गोली मार देंगे। ये उस दबाव में मैं ना गवाही मुझे नहीं देने दिया, जो मेरे को सिखाया मैं वही सिखाने पर मैं बोल दिए जज के आगे में पेश होके बोल दिए। अब वहाँ से मैं आए, मैं घर आ गए, यहीं पर मैं ढूंढा हीरोम रहती हूँ, मैं घर आ गई। उसके बाद मेरे अंकल को फ़ोन करके मुझे बुलाया, उसके बाद बोला कि को भेज दो, मैं यहाँ पर आए। मैं बोले फिर मेरे को तारीख जब मैं आ गई फिर मुझे क्यों बुला रहा है ना, तो फिर मैं ना आ गई इधर, ये ना हनुमान मंदिर जो ना उधर है ना बच्चन के ग्राउंड, वहीं पर चार पांच सी के पीछे मुझे है ना वो बैठा लिया, दोनों हाथ मुझे ऐसे करके पकड़ लिया, मगर ना भूला अपने दिल में जलती इंतकाम की आग को। उसने प्रतिशोध की ऐसी साजिश रची कि रूह कांप उठे शैतान की भी। आरोपी को पहले भी गिरफ्तार किया गया था जब उसके ऊपर रेप चार्ज था या? जी, आरोपी को पहले गिरफ्तार किया गया था, उसको पेश अदालत किया गया था, जो बाद में उसकी वहाँ से बेल हो गई थी, और ये प्रॉपर हेयरिंग में चल रहा है केस। हेयरिंग इसकी 22 तारीख को हेयरिंग थी, उसके बाद ये सारी घटना का हुई है। सर, महिला अपराध को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, महिला अपराध को रोकने के लिए जैसे ही हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जो हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन हैं, वुमेन थानों में और पुलिस स्टेशन में लगे हुए PCRs वगैरह है, वो तुरंत उसी टाइम वहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है, और जो भी लीगल कार्रवाई बनती है उसको तुरंत अमल में लाया जाए। रेप के संगीन मुकदमे में मुलजिम बाहर आया और माफी की दुहाई देने लगा। पीड़ित प्रेमिका इनकार ना कर सकी, मगर ना भांप सकी उस भेड़िये की शातिराना चाल को, जो उसकी जिंदगी का एक और जख्म बनकर रह गया।
गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। साइबर सिटी में एक और शर्मनाक वाकया सामने आया तो सवाल उठे अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा व्यवस्था पर। शहर के एक नामी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही एक बेटी से अमानवीय हरकत से शर्मसार है साइबर सिटी। एक नाबालिका के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया, क्या है मामला? देखिए, जो पीड़िता लड़की है ये सेक्टर 14 एरिया के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उस दौरान जो हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉय थे, जैसा कि पीड़िता लड़की ने अपनी कंप्लेंट में बताया कि उन वार्ड बॉय ने जब ये आईसीयू में एडमिट थी उस दौरान उसके साथ अनकॉन्शियस कंडीशन में इसके साथ छेड़खानी की और उसके बाद ये पूरी तरह से मेंटली फिट नहीं थी इस बात को बताने के लिए। उसके बाद जैसे वो 8-10 दिन के बाद अपने आप को इन्होंने ठीक समझा, उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ आके सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में 26 नवंबर को इन्होंने एक रिटन कंप्लेंट उन दोनों वार्ड बॉय के खिलाफ दी थी, जिस पर पुलिस स्टेशन सेक्टर 14 में धारा पॉक्सो एक्ट और 506 आईपीसी के तहत उन दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जहरीला पेय पीने से जिंदगी के लिए खतरा बनी मौत से तो जंग जीत ली, मगर उन शैतानों से जंग हार गई बेटी जिन्होंने रची थी साजिश आबरू लूटने की। उन वार्ड बॉय ने जब ये आईसीयू में एडमिट थी उस दौरान उसके साथ अनकॉन्शियस कंडीशन में इसके साथ छेड़खानी की और उसके बाद ये पूरी तरह से मेंटली फिट नहीं थी इस बात को बताने के लिए। उसके बाद जैसे वो 8-10 दिन के बाद अपने आप को इन्होंने ठीक समझा, उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ आके सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में 26 नवंबर को इन्होंने एक रिटन कंप्लेंट उन दोनों वार्ड बॉय के खिलाफ दी थी, जिस पर पुलिस स्टेशन सेक्टर 14 में धारा पॉक्सो एक्ट और 506 आईपीसी के तहत उन दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। उसी दिन ही मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को थाना सेक्टर 14 द्वारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों आरोपियों की पहचान होने के बाद उनको गिरफ्तार करने के बाद कल माननीय कोर्ट में पेश किया गया, कल उनको भोंसी जेल भेज दिया गया। अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बनाना और उस वीडियो के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल करने की साजिश थी हैवानों की, मगर धर लिए गए दोनों शैतान जाएंगे जेल और भुगतेंगे सजा संगीन गुनाह की। गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। क्या आपको गठिया रोग?
धिक्कार है ऐसी सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जिसमें खुद मजलूम छात्राएं ये लिखें कि वो आहत हैं इस समाज से, इस सोच से, इस फिजा से और इस आदम जात से। क्या परेशानी आ रही है आपको? जब हम स्कूल से घर जाते हैं तो हम लड़के हमें व्यंग करते हैं और हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए हमने शिकायत भी दर्ज करवाई है कि हमें जाते वक्त असुरक्षित महसूस ना हो और हम आसानी से घर पर जा सकें। क्या परेशानी है, क्या शिकायत दर्ज करवाई है आपने? मैं कालावाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं की छात्रा हूँ और जब हम आदि शुद्ध के दौरान अपने घर पे जाते हैं तो कुछ शरारती लड़के 3-4 बाइकों पे टोलियाँ बना के हम पे व्यंग्य करते हैं या हमें कोई ना कोई छेड़छाड़ करते हैं और अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमसे और ज़्यादा बहसें करते हैं तो हमें घर पर जाते हुए बहुत असुरक्षित महसूस होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लड़कियां भी चुप ना रहें, कुछ ना कुछ तो बोलें और अगर हम लड़कों को भी कुछ बोलते हैं तो वो आगे हम पे हंसते रहते हैं। बेटा आपने शिकायत दर्ज करवाई है प्राचार्य के पास? हाँ, हमने एक एप्लीकेशन के थ्रू लड़कियों से साइन करवा के अपने प्रधानाचार्य जी को एप्लीकेशन। खामोशी के ये ताले टूटे तो स्कूल प्रशासन तक हलकान हो उठा, परेशान हो उठा और मजबूरन लिखना पड़ा कि हमारी बेटियां महफूज नहीं। एक बच्ची की एप्लीकेशन आई थी जिसमें लगभग 50 लड़कियों ने साइन कर रखे हैं, जिन्होंने मेरे को ये कंप्लेंट की थी कि हम जब स्कूल से छुट्टी होती है तो हमें असामाजिक तत्व रोकते हैं। तो मैंने इसके बारे में एक्शन लेते हुए थाना अध्यक्ष को एक आज एक लेटर लिखा है ताकि स्कूल की लगते समय और स्कूल की छुट्टी के समय एक PCR जरूर आए, क्योंकि जब सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तभी पढ़ेगी जब उसको सुरक्षा भरा माहौल मिलेगा। अब वो लड़कियां मेरे से सर्टिफिकेट लेने आई थी कि हम स्कूल में नहीं आ सकते, हमारा SLC काट दिया जाए। मैंने उनको समझा करके एक बार स्कूल में रखा और अब थाना अध्यक्ष को लिख रहा हूँ आगे की कार्रवाई होने से। गली कूचों चौक चौराहों पर हर नजर से 2-4 गुना पड़ता है रोज बेटियों को, हर जुबान काटने को दौड़ती है और हर लफ्ज कत्ल करने को। आपने अपने स्तर पे असामाजिक तत्वों को रोकने का कोई प्रयास किया? मैंने अपने स्तर पर असामाजिक तत्वों को रोकने का प्रयास किया, मेरे अध्यापकों की ड्यूटी मैंने वहाँ लगाई जहाँ पर इन्होंने लोकेशन बताई गई थी, लेकिन उस दौरान मेरे को भी एक व्यक्ति के द्वारा, अनजान व्यक्ति के द्वारा फोन किया गया कि हम आपको देख लेंगे, आप रोज ट्रेन से आते जाते हो तो हम रास्ते में देखेंगे आप। पुलिस प्रशासन सरकार से क्या मांग करेंगे सर? मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करूंगा कि कम से कम स्कूल लगते समय और स्कूल की छुट्टी के समय लड़कियों के लिए एक PCR जरूर भेजी जाए और वैसे भी राउंड लगाते रहना चाहिए कि स्कूल के पास कोई अवांछित तत्व तो नहीं इकट्ठे हो रहे। घर से स्कूल तक का रास्ता जैसे कोई सरेराह नहीं, कठिन सफर बन गया है जिंदगी का, जिसमें दुश्वारियों के अलावा वजूद का हनन भी होता है रोज रोज। किससे कहें, कैसे कहें, यहाँ सुनता ही कौन है? क्या आप सुनेंगे सरकार? स्कूल की बच्चियों ने अपने प्राचार्य को पत्र लिखा है और प्राचार्य ने पुलिस को पत्र लिखा है कि सुरक्षा की दृष्टि से PCR तैनात की जाए, तो इस पर क्या कहना जी आपका? आज ही हमारे इस बारे में पता चला है तो वो लेटर के जरिए जहाँ जिस स्कूल में भी प्रिंसिपल अगर पुलिस सुरक्षा चाहता है तो वहाँ भेजी जाएगी, वैसे ही भेजी जाती है। अब सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, छुट्टी के टाइम स्कूल लगने के टाइम एक्स्ट्रा पुलिस वहाँ लगाई जाएगी और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर कदम पुलिस तैयार है, कोई ऐसी घटना ना घटे हम हर संभव प्रयास करेंगे, ड्यूटी लगाई जाएगी। आज ये मार्ग इस बारे में लेटर आया तो आज से ही ड्यूटी लगा दी जाएगी। DSP साहब का दावा है कि हर संभव कोशिश करेंगे बेटियों की सुरक्षा की। उम्मीद है साहब की संभावनाओं का ये आसमान कभी गिरे ना, क्योंकि ये गिर गया तो सुरक्षा की उम्मीदें भी गिर जाएंगी धीरे धीरे। हरियाणा न्यूज के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति की रिपोर्ट।